श्री अजय संचेती। अजय संचेत, यस, धन्यवाद सर। यू कैन गो। बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सम्माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस बार जो बजट उन्होंने पेश किया है, चर्चा तो सारे देश में होती है, तारीफ भी हुई, आलोचना भी हुई, लेकिन मानना पड़ेगा कि आलोचना भी जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार बजट तो लोग हमेशा दिमाग से बनाते हैं, लेकिन इस बार हरेक का ख्याल रखते हुए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके ये बजट बनाया गया है। सर, वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस विकट आर्थिक संकट की स्थिति में कंज्यूमर और बिजनेस दोनों फ्रेंडली बजट बनाना यह दिखाता है कि हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जो 125 करोड़ लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि खर्च होने वाला पैसे का लाभ नीचे के तबके के हर इंसान को मिलना चाहिए, सीधा मिलना चाहिए, इस बजट में उसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सर, नो कंट्री कैन डेवलप विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, टिल डेट ऑल गवर्नमेंट्स, मे बी टुडेज और यस्टरडेज, हैव वर्क टुवर्ड्स इट, बट यू विल एग्री दैट द पेस ऑफ डेवलपमेंट दिस टाइम कैन बी सीन थ्रू द मल्टीफोल्ड बजट एलोकेशन फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, रोड और रेल दोनों के डेवलपमेंट पर तकरीबन 2,18,000 रुपए खर्च होने हैं। सर, यह काम इतनी तेजी से चल रहा है कि इसकी तारीफ सार्वजनिक रूप से इस सदन में इधर के और उधर के दोनों सदस्यों ने की है। व्हाट इज दिस? हर सेक्टर में विकास करने के दृष्टि से फंड्स एलोकेट किए गए हैं। इज नॉट करेक्ट सर, यू डोंट रियली, इसके जो डिटेल्स हैं वो कुछ तो मेरे साथी श्री भूपेंद्र यादव जी और प्रभात झा जी ने पढ़े हैं, और भी मेंबर्स ने पढ़े हैं, लेकिन मैं कुछ आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। सर, इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का इसमें प्रावधान किया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू टैक्स पास देने की इसमें योजना है। सर, बैंक में पीएसयू बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को में रैशनलाइजेशन को प्रमोट कर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का काम किया गया है। सर, इनकम टैक्स लिटिगेशंस का को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके 14A और रूल 8D में परिवर्तन सजेस्ट किए गए हैं। TDS को रैशनलाइज किया जाने की इसमें प्रोविजन है। सर, साधारण आदमी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवर्शन फॉर फार्मर्स को अलोकेट किया गया है, प्रपोज किया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नई, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। मनरेगा का उल्लेख अलग लोगों ने किया, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगा। स्वच्छ भारत अभियान के लिए तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। डिजिटल लिटरेसी मिशन को 6 करोड़ लोगों घरों तक पहुंचाने के दृष्टि से इसमें प्रावधान किए गए हैं। सर, 3,000 नए ड्रग स्टोर्स को जेनरिक ड्रग्स के लिए जो स्टोर्स खोलने हैं उसका प्रावधान इसमें किया गया है। सर, डिडक्शन जो रेंट डिडक्शन जो था उसको 24,000 से ले जाकर 60,000 रुपये तक लेके गए हैं। इससे न सिर्फ रहने वालों को सुविधा होगी, लेकिन घर खरीदने की भी जो चिंता हर साधारण आदमी करता है उस ओर भी वो ध्यान दे सकेगा कि नहीं, अब मैं घर खरीद भी सकता हूं, क्योंकि रेंट जो है वो रिजनेबली काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सर, कई ऐसी दूसरा कंप्लायंस विंडो जो 1 जून से 30 सितंबर तक दिया गया है, जिससे निश्चित रूप से ब्लैक मनी जो है वो इस देश की व्यवस्था में फिर से अपना
जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरेट करने की व्यवस्था की गई है। सर, मैं जानता हूं कि आपने कई लोगों का समय कम कर दिया है और इसलिए मैं बहुत कुछ ना कहते हुए सर सिर्फ इतना ही कहूंगा, सर कोई भी बजट जो होता है उसमें देश की प्लानिंग कोई एक साल के बजट से की नहीं जा सकती है। एवरीथिंग इज टू बी प्लान फॉर 4 इयर्स 5 इयर्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज टू बी डन। और चार पांच साल की पूरी योजना बनानी पड़ती है। सर ये हर सरकार ने बनाई है, पहले की सरकारों ने भी किया, अभी भी किया है, लेकिन प्लानिंग इफेक्टिव कितनी रही, उसके रिजल्ट्स कितने मिले, वो रैशनलाइज है कि नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं या सिर्फ करके भी दिखाएंगे, ये देखना उसमें बहुत जरूरी है। सर, इस सरकार ने हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। एनपीए के संकट से निकलते हुए सर, ये विलफुल डिफॉल्टर्स, एनपीए, इसकी समस्याओं को हम रोज झेल रहे हैं। स्थिति यहाँ तक आ रही है कि बैंकों के लोगों को कहना पड़ रहा है, अरे भाई हर चीज की चिंता करने के बजाय जो ठीक काम कर रहे हैं उनकी मदद करिए। इस एनपीए के चक्कर में बैंक वाले घबरा गए हैं और सही लोगों को मदद करना कि नहीं, इसलिए भी उनकी चिंता बढ़ रही है। इसलिए नए उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए, युवाओं के लिए, स्टार्टअप की व्यवस्था, समाज के हर जरूरतमंद के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। सर, सबसे बड़ी बात है, चाहे वो राजनीतिक समर्थक हो या विरोधक हो, सभी में यह संतुष्टि है कि यह बजट सर्वसमावेशक है। सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें न करें, यह एक पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। सर, मैं अपनी बात को खत्म करते समय इतना ही कहूंगा, राजीव शुक्ला जी नहीं है, उन्होंने निदा फाजली की लाइनें पढ़ी थी, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए इतना कहूंगा कि पुराना गाना था, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ओके, नाउ अजय संजय जी, आई थैंक यू वेरी वेरी मच बिकॉज यू अथियर टू द टाइम, थैंक यू वेरी मच।